अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी लर्न अबाउट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वी नो दैट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। उनकी जेंडर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं वो सब डिफरेंट होता है। उनका कल्चर जहाँ से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट होता है। तो वी कैन से देर इज अ डाइवर्स एम्प्लॉयज इन कंपनी, या हम कह सकते हैं देर इज अ डाइवर्सिटी इन द कंपनी। अब डाइवर्सिटी क्या है, फिर उसके बाद हम जाएंगे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि वो क्या चीज होती है। डाइवर्सिटी कहते हैं द वराइटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स दैट करेक्टराइज अ कंपनीज वर्क फोर्स, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रेस, जेंडर, कल्चर, नेशनल ओरिजिन, हैंडीकैप, एज एंड रिलीजन। किसी भी एक कंपनी के अंदर डेमोग्राफिक फीचर्स की बेस पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या वैरायटी ऑफ पीपल इज देयर इन साइड द कंपनी बेस्ड ऑन डिफरेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो रेस हो सकती है, उनकी जेंडर हो सकती है, वो कल्चर, नेशनल ओरिजिन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, रिलीजन क्या है उनका, एज वाइज। आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स भी होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं जो कि एडल्ट होते हैं, कुछ ओल्ड एज में जा रहे होते हैं। इसी तरीके से मेल, फीमेल या अदर जेंडर जो है वो भी इम्प्लॉयज की होती है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, और हैंडीकैप भी समटाइम्स होते हैं। डिपेंड्स के उनके जो ये नेचर ऑफ हैंडीकैप है वो क्या है। इसी तरीके से डिफरेंट रेस से भी ये इम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं। अब जरूरी है कि इतनी ज्यादा डाइवर्स जो करेक्टरिस्टिक्स वाले इम्प्लॉयज हैं उनको इक्वल तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। हम कह सकते हैं जैसे एक कंपनी है उसके अंदर कोई एक वैकेंसी है, तो डजेंट मैटर कि वो मेल है, फीमेल है, जो भी उसके लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि एक सर्टेन लिस्ट ऑफ ड्यूटी है जो जॉब के अंदर एम्प्लॉय ने परफॉर्म करनी है। तो विदाउट कंसिडरिंग कि मेल है, फीमेल है, ओल्ड एज है, यंग है, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये जो भेदभाव है ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिड्यूस करने के लिए इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ बनाया गया। लेट्स अंडरस्टैंड कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या। इसके वर्ड्स जो हैं टर्म के अंदर वही बता रहे, इक्वल मीन इक्वालिटी है, बराबरी है, एम्प्लॉयमेंट जॉब के हवाले से, और अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं चांस देना, या एक हायरिंग के लिए जो है वो हर बंदे का एक बराबर का हक हो। ठीक है, एक अगर जॉब वेकेंट हुई है किसी भी कंपनी के अंदर तो उसके लिए विदाउट कंसिडरिंग के वो कौन सी जेंडर, एज से बिलोंग करते हैं, हर एक एम्प्लॉय जो भी उस लिस्ट ऑफ ड्यूटीज को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता हो या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें फिट बैठता हो उसको इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन मिलने चाहिए। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज टू इंश्योर दैट एवरीवन और एनीवन रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, डिसेबिलिटी, जेंडर, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन और एज हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन हिज और हर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज हैं एप्लीकेंट की सिर्फ वो मैटर करेंगी, ना कि उसकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के मेल है, फीमेल है, कौन से सा रिलीजन है उसका, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी चीजें हैं वो सारी निग्लेक्ट हो जाएंगी वाइल कंसिडरिंग समवन फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब लॉ तो बन गया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर आर फ्यू इश्यूज इन एम्प्लॉयमेंट लॉ, और उसमें से नंबर वन है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड वन इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, देन वी हैव जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, एंड वी हैव ग्लास सीलिंग। लेट्स टॉक अबाउट दीज फोर करंट इश्यूज इन एम्प्लॉयमेंट लॉ। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ट्रीटिंग एन एप्लीकेंट और एम्प्लॉय लेस फेवरेबली और अनफेवरेबली बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स लाइक रेस, कलर, डिसेबिलिटी, जेंडर, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन और एज।
इसका मतलब ये कि जैसे आर्मी है तो आर्मी में आप कहो कि नहीं, दिस इज अ फील्ड ऑफ मेल्स ओनली, और उसमें फीमेल्स को आप खामखा ही जो है वो एम्प्लॉयमेंट का चांस ना दो, तो इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। और इस केस में जो फीमेल्स हैं दे आर बीइंग ट्रीटेड लेस फेवरेबली और अनफेवरेबली। इसी तरीके से नर्सिंग है तो आप कह दो कि जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फीमेल्स आर प्रेफर्ड, इसलिए आप मेल्स को साइड पे कर दो। तो ये मेल्स जो है दे आर बीइंग ट्रीटेड लेस फेवरेबली और अनफेवरेबली। अगर आप बिल्कुल इनको कंसिडर नहीं करते हैं, किसी भी एक जेंडर को, किसी भी एक रिलीजन के लोगों को, या किसी भी एक रेस के लोगों को, किसी एक पर्टिकुलर एज के लोगों को, जैसे आप कह दो कि सीईओ जो है वो यंग नहीं होना चाहिए ज्यादा, वो थोड़ा सा ओल्ड एज होना चाहिए, तो आप एज की बेस पे एक कॉम्पिटेंट और एक एलिजिबल इंडिविजुअल को सीईओ होने से रोक रहे हैं और उसको अनफेवरेबली ट्रीट कर रहे हैं जबकि वो डिजर्व करता है टू बी एट दैट पोस्ट। तो इसी तरह से सेकंड जो इशू है एम्प्लॉयमेंट लॉ में, दैट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी तरह की कोई अनवांटेड एक्टिविटी आप सोशल सॉरी सेक्सुअल नेचर जो है वो परफॉर्म करते हो जिससे कि एक इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो सकती है। जैसे एक मेल बॉस है सपोज, वो फीमेल्स जितनी भी उसकी सबऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी एक फीमेल को वो कहता है कि ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब तो आपको मेरे साथ जो है वो फलां जगह पे लंच करना पड़ेगा, डिनर करना पड़ेगा, या मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या ये कि उसको आप सजेस्टिव रिमार्क्स देते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हैं और जो है आप निखरी निखरी लग रही हैं, या पहले से ज्यादा हसीन होती चली जा रही हैं, और इसके अलावा इन अप्रोप्रिएट वे में आप उसको टच कर रहे हो, या क्वेश्चनेबल फोटोज या ईमेल या कोई भी ऐसे मैसेजेस आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि जिसको जो कि उसको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। तो किसी भी तरीके से कोई भी सेक्सुअल नेचर की एक्टिविटी जिसको अगला बंदा पसंद ना करे या सोसाइटी जिसको पसंद ना करे, अगर आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेंट के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरेसमेंट और ये उसकी एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेगी। आप कहेंगे कि ठीक है, लेट्स हैव अ मीटिंग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद वी विल सी कि आपको हमने हायर करना है या नहीं करना। तो ऑफ कोर्स इन दिस वे इट इज अफेक्टिंग द पर्सन एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से इफ द पर्सन इज डूइंग अ जॉब तो उसको आप जो है इस तरीके से डील करो कि वो अनकंफर्टेबल फील करे, या सजेस्टिव रिमार्क्स इन अप्रोप्रिएट वे में आप टच कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, उस एनवायरनमेंट को, तो फिर पॉसिबिलिटी इज कि वो वहां से क्विट कर देगी जॉब को, या एम्प्लॉय जो है वो क्विट कर देगा, जॉब को छोड़ के चला जाएगा। देन वी हैव अनदर इशू इन एम्प्लॉयमेंट लॉ, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन जेंडर, वेन वी ओवर जेनरलाइज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप, हम कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक कोर्स के लिए ही बनी हुई हैं, या फिर वो इंजीनियर्स की जॉब सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो फीमेल्स नहीं हो सकती हैं, पायलट फीमेल नहीं हो सकती हैं, और एक बहुत ही एक रूटीन में हम सुनते हैं कि फीमेल्स जो हैं दे आर बैड ड्राइवर्स, तो क्योंकि वो स्ट्रेस को डील नहीं कर सकती हैं या मेंटली वो स्टेबल नहीं रहती हैं, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी गुड ड्राइवर, तो आप ड्राइवर फीमेल्स को नहीं रखेंगे। अब क्या ये फीमेल्स होने की वजह से किसी एक फीमेल को आप ड्राइवर की पोजिशन के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और फीमेल होने की वजह से आप उसको जॉब नहीं रखते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो गया। इसी तरीके से डे केयर सेंटर में अगर किसी कोई अटेंडेंट हो, सपोज लेट्स थिंक दिस वे के किंडर गार्डन के अंदर या प्ले ग्रुप की टीचर फौरन से आएगा कि फीमेल हो, क्यों फीमेल ही क्यों? नर्स की बात करें तो फीमेल, गायनाकोलॉजिस्ट की बात करें तो फीमेल,
उसमें मेल का कोई तस्वर, कोई कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता नहीं है। रीजन कि हमें लगता है कि ये केयरिंग वाली जितनी भी या पोलाइटनेस वाली जॉब्स होगी या फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स जो हैं वो फीमेल्स होंगी। रीजन के उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है, दे आर रिलेटिवली पोलाइट, काइंड हार्टेड एंड दे आर केयरिंग, सो फीमेल्स कैन बी नर्सेस, टीचर्स और अटेंडेंट्स ऑफ डे केयर सेंटर एंड फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स। तो ये आपने क्या कर दिया, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप, आपने एक जेंडर की करेक्टरिस्टिक्स को ओवर जनरलाइज्ड कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि फीमेल्स हैं वो पायलट नहीं हो सकती हैं, अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती हैं, वो कोई जो है वो फाइटर नहीं हो सकती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक जेंडर को ओवर जनरलाइज कर दिया होता है। इसी तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप्स में हमें लगता है कि इफ देयर इज अ पोजीशन दैट नीड्स टू बी मोर अथॉरिटेटिव, या हम कहते हैं कि इसमें ज्यादा डिसीजंस लेने होते हैं या स्ट्रेस को डील करना है, तो फिर हमारे माइंड में आता है कि यस अ मेल कैन बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मेल जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरीके से उसकी परवरिश की जाती है, छोटी बहन को बचपन से ही जो है उसके साथ जाना, उसकी टेक केयर करना, घर का जिम्मेदार, डिसीजन मेकर और सारे काम उसको जो है उसकी अपब्रिंगिंग में ऐसे उससे करवाए जाते हैं कि उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और वो अथॉरिटी टेकिंग बिहेवियर को लर्न करता है। तो इस तरह की जो हाई पोजीशन वाली जॉब्स हैं, हमें लगता है कि फीमेल्स की बजाय मेल जो हैं वो उसके लिए ज्यादा परफेक्ट होते हैं। उसी बेस में हमारी जो नेक्स्ट इशू है एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर वो आता है, दैट इज क्लास सीलिंग। अब ये क्या है, इनविजिबल बैरियर, बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता बट वी हैव क्रिएटेड एन इनविजिबल बैरियर जो कि ब्लॉक करता है फीमेल्स एंड माइनॉरिटीज को फ्रॉम असेंडिंग इनटू अपर लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। के अगर दो चार फीमेल्स हैं सपोज किसी कंपनी में जो कि ज्यादा एलिजिबल होंगी, ज्यादा अच्छी परफॉर्मर होंगी, ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगी इन कंपैरिजन विद गाय जो कि वहां पे उनके साथ सेम पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन व्हेन देयर इज अ पॉइंट टू प्रोमोट समवन तो ना चाहते हुए भी कंपनी क्या करेगी, मेल को प्रोमोट कर देगी, कंसिडरिंग दैट के ये मेल है तो मेल जो है वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल होगा, स्ट्रेस हैंडलर होगा एक अच्छा इन कंपेरिजन विद फीमेल्स। तो फीमेल्स जो है दे कैन नेवर, वो सूट नहीं करेंगी हायर पोजिशन के लिए, ये हमारे कल्चर में एक चीज बनी हुई है, उसी को हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। इसी तरीके से जो है आप एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर रहते हुए क्या करेंगे कि माइनॉरिटीज जो होंगी उस कल्चर उस सिस्टम के अंदर आप उनको हायर पोजीशंस नहीं देंगे ये सोचते हुए कि ये यहाँ पे क्यों, ये तो हमारा कंट्री है, ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है, तो समवन अमंग्स मस्ट बी दी सीईओ या जो भी हायर लेवल की पोजिशन जिसपे आपने किसी को प्रमोट करना है, आप माइनॉरिटीज की बजाय जो वहां पे मेजोरिटी होगी उस सिस्टम में आप उन्हीं को जो है प्रमोट कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास हमने डिस्कस किया है डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि लेस फेवरेबली या अनफेवरेबली ट्रीट किया जाता है किसी भी एप्लीकेंट या एम्प्लॉय को। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये कौन कौन सी टाइप की होती है, क्या ये एक ही चीज है, तो ऐसा नहीं है, बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन डिस्क्रिमिनेट और ट्रीट लेस फेवरेबली और अनफेवरेबली किसी भी एप्लीकेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को। इसमें फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन है एज डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी भी एप्लीकेंट को लेस फेवरेबली ट्रीट करते हो किस वजह से, उसकी एज की वजह से। जैसे कि आप कहते हो कि सारे सीनियर्स हैं यहाँ पे, एक नया बंदा हमने हायर किया है उसको 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं और ही इज क्वाइट यंग, और बाकी जो है उससे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे डिसीजन मेकिंग में सीनियर्स को इन्वॉल्व करेंगे, आपने अगर प्रमोशन देनी है तो उसमें भी आप सीनियोरिटी की बेस पे प्रमोट कर देंगे, और एक बंदा जो कॉम्पिटेंट है लेकिन सिर्फ चूंकि उसकी एज कम है और बाकियों से एज में छोटा है इसलिए आप उसको जो है वो प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये हो गया एज डिस्क्रिमिनेशन। या हमारे पास डिफरेंट तरह की जॉब्स आती हैं उसमें एज लिमिट दी हुई होती है,
सपोज हमारे पास एंट्री लेवल की बैंक्स के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उसमें जो है वो 25 ईयर्स या 24 ईयर्स से बिलो वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वेलकम किया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी उस एज से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि उनको इसमें अनफेवरेबली ट्रीट किया जा रहा है, उनको ये मौका दिया ही नहीं जा रहा जॉब का। उसके बाद वी हैव अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। अब एक बंदे को आप उसकी डिसेबिलिटी की बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर देते हो या लेस फेवरेबली या अनफेवरेबली ट्रीट करते हो, वो कैसे? कि एक सपोज टीचिंग की जॉब है, यू नीड अ लेक्चरर, और उसके लिए यू जस्ट नीड समवन जो के कॉम्पिटेंट हो, जिसकी ग्रिप हो अपने सब्जेक्ट के ऊपर, एंड ही कैन डिलीवर दैट नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स इन एन इफेक्टिव मैनर। लेकिन आप देखते हो कि द पर्सन इज डिसेबल, उसकी लेग्स जो हैं वो काम नहीं करती हैं, ही हैज टू बी ऑन व्हील चेयर ऑल द टाइम, तो आप उसको जॉब के लिए कंसिडर नहीं करते हो। हालांकि दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट जस्टिफाइबल इन दिस केस। लेक्चर की जॉब में वो बैठ के पढ़ा रहा है, डजेंट मैटर, ही इज एबल टू डिलीवर द नॉलेज, ही मस्ट बी गिवन द चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनके लिए एक दो सीट्स को कोटा रख दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, एक और चीज, जैसे आर्मी है, आर्मी की जॉब के लिए उनकी ट्रेनिंग, वहां पे आपको पता है कि एक बंदा जो है उसको फिजिकली डिसेबल नहीं होना चाहिए, या एक डॉक्टर है उसका मेंटली स्टेबल होना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसने जो है वो ट्रीटमेंट देना है, उसने अगर सर्जन है तो उसको अपनी सेंसेस में होना जरूरी है, उसको अपने माइंड पे, अपनी साइकोलॉजी कल जो भी इश्यूज है उस पे कंट्रोल होना जरूरी है। और अगर एक सर्जन ऐसा है जो कि सपोज ड्रग यूजर है, और उसमें क्या है कि ड्रग्स लेके वो चला जाता है सर्जरी करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा इस पोजीशन में कि वो ऑपरेट कर पाए। तो वहां पे जो चांसेस ऑफ एरर हैं या रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाँ, उस केस में आप ऐसे बंदे को सर्जन नहीं रख सकते जो कि ड्रग यूजर हो। इसी तरह से आर्मी है अगर, तो उसमें आपको पता है कि जब भी जंग होगी तो वार के दिनों में तो समवन मस्ट बी फिजिकली फिट। लेकिन अगर सोचें कि उसकी टांग या बाजू काम नहीं करता तो केस जो है वो थोड़ा वर्स्ट हो जाएगा इस केस में, कि जो बाकी उसके फेलोज हैं वो जंग लड़ेंगे या उसको संभालेंगे। तो हाँ, उस केस में फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जस्टिफाइबल है, लेकिन डिपेंड्स कि आपने कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है, और उसके हिसाब से वट एवर दी डिसेबिलिटी अ पर्सन हैज वो जस्टिफाइबल है भी या कि नहीं है। अगर वो जस्टिफाइबल ना हो डिसेबिलिटी, लेकिन आप फिर भी उस बंदे को हायर ना करें, जैसे कि मैंने लेक्चरर के लिए लेग से डिसेबल बंदे को, या पोलियो ज्यादा बंदा है उसकी एग्जाम्पल दी है, आप उसको लेक्चरर अपॉइंट ना करो, तो ये उसके साथ अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होगा और ये अनजस्टिफाइबल होगा। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन। के आप ये एक रूल बना देते हो कि हमारी कंपनी के अंदर हम फलां कल्चर या फलां कंट्री के लोगों को हायर नहीं करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर सपोज वी आर हैविंग अ पोजीशन इन पंजाब, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ये उनके लिए जॉब नहीं है। तो इससे क्या है, वो कॉम्पिटेंट होंगे, स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज का सेट जो रिक्वायर्ड है एक लिस्ट ऑफ ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें फिट आते हैं। लेकिन आप उनको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, उनको लेस फेवरेबली या अनफेवरेबली ट्रीट क्यों कर रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं? तो हम जो है चाहते हैं कि पंजाबी सिंधी बलोची सरहदी जो हैं वो हमारे कंपनी का हिस्सा बने। तो ये हो जाएगी नेशनल ओरिजिन की बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना किसी को। या जैसे आप ये कहते हो कि हम सपोज यूएस में कोई कंपनी है तो हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन जो है हमने उनको हायर नहीं करना, या पाकिस्तानियों को हायर नहीं करना, जैसे 9/11 का एक किस्सा हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की लिस्ट में काफी ऊपर तक गया,
तो इसलिए पाकिस्तानी जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाना शुरू हो गया। तो इसको इस टाइप की जब अनफेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रही होगी एप्लीकेंट्स को, तो उसको कहेंगे नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद एक और टाइप है, दैट इज रेस डिस्क्रिमिनेशन, कि स्किन कलर, टेक्सचर या सर्टेन फेशियल फीचर्स की बेस पे जो है हम कहते हैं कि नहीं, ये पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पे वी डोंट वांट एनीवन टू बी द पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज अगेन एग्जांपल हम लेते हैं, कनाडा में है, सारे गोरे हैं वहां पे, सारे जो हैं वो अंग्रेज हैं, तो उनमें आप चाहेंगे कि अफ्रीकन कोई भी हायर ना किया जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि अफ्रीकन जो हैं उनके जो कॉम्पिटेंसी है उसमें कोई कमी रह गई है या वो इलिजिबल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये देखते हो कि फलां रेस से ये बिलोंग करते हैं तो हम उनको अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं बनाना चाहेंगे। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को रेस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि बहुत आम होती है, कि बेस्ड ऑन समवंस रिलीजियस बिलीफ आप किसी को हायरिंग का या जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का चांस नहीं देते हो, इसको कहते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी होता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो हमारे यहाँ वो काम जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी मेंबर परफॉर्म नहीं करना चाहता, अनफॉर्चुनेटली वो हम क्रिश्चियन जो रिलीजन वाले लोग हैं हम को हैंड ओवर कर देते हैं, और जो सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए हम मुस्लिम्स को कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजन बेस्ड या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहा जा सकता है, कि आप किसी को उसके बिलीफ सिस्टम की बेस पे जो है वो अनफेवरेबली या लेस फेवरेबली ट्रीट कर रहे होते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, कि आप किसी भी एप्लीकेंट को उसकी जेंडर की बेस पे जो है वो अनफेवरेबली ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे पास जितनी भी जॉब्स आती थी कुछ अरसा पहले तक, उसमें जेंडर साफ तौर पे लिखी होती थी, मेल या फीमेल, उसमें अदर या ट्रांसजेंडर जो है का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। दे वर सपोज टू बी नॉट एलिजिबल फॉर दी वेकेंट पोजिशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें क्या था कि ट्रांसजेंडर्स को अनफेवरेबली ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन ड्यू टू दी लॉ ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अब ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की जाती हैं, उनको भी मेल फीमेल के साथ ही अदर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और अगर आप किसी भी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको लगता है किसी फीमेल चाहिए, सपोज कोई वुमेन यूनिवर्सिटी है तो उसमें आप लेक्चरर या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस भी तरह की जॉब है आप सिर्फ फीमेल्स को डिमांड करें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, ये लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट हो जाएगा मेल्स के साथ। इसी तरीके से अगर कोई जो है वो बॉयज कॉलेज हो गया या जो है वो मेन यूनिवर्सिटी होगी, तो उसमें आप सिर्फ मेन को प्रेफर करो, तो उसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं वो आप उनके लिए एक बैन लगा देते हो, दे आर नॉट वेलकम देयर, तो इस बेस पे आप फीमेल्स को अनफेवरेबली ट्रीट कर रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। If you guys have any question, you can send me that question in comment box. I will try to make it clear for you. Thank you so much.